द्वारा भी एक प्लेयर को नॉक किया गया था, हमने देखा था फीट के अंदर, बट लेट्स सी किस तरीके से अब ये फाइट आगे बढ़ती है। आर्टेमिस को नॉक किया गया है, टीएक्स न्यू प्लेयर नजदीक। ओके सो टीम एक्स पार्क एंड गॉडलाइक गोइंग अप अगेंस्ट ईच अदर, नॉट ओपी को वहां पे फिनिश ऑफ किया जाएगा, उनके नजदीक एक प्लेयर जरूर मौजूद थे, बट जोनाथन यहां पे अब एंटर करते हुए दिखाई दे रहे हैं सोसाइटी के अंदर पूरी तरीके से। टीम गॉडलाइक फिर से मिड गेम स्टार्ट भी नहीं हुआ, दिस इज जस्ट द लेट अर्ली गेम एंड ऑलरेडी गॉडलाइक ने यहाँ पे अपने लिए एक फाइट पिक कर लिया, प्रेशर अप्लाई करते हुए जोनाथन विदाउट अ गन इन हिज हैंड एंड ही स्विचेस इट जस्ट इन टाइम। लुक एट दैट प्लेयर मैन, लुक एट दैट प्लेयर, बिना गन के ही जंप्ड ऑफ दैट विंडो, देयर वाज अ प्लेयर इनसाइड स्विच्ड ऑन, क्योंकि डायरेक्ट एंट्री करी शायद क्राउच किया था डायरेक्ट विंडो के अंदर घुसे एंड उसके बाद उन्होंने गन फेल स्विच करके यहां पे खत्म करता। पर अभी के जोनाथन रुके नहीं, अभी भी अटैक करने की कोशिश यहां पे करते हुए वीरो स्ट्रेट अप अंदर जाएंगे, गलती साबित होगी लेकिन नहीं, नो इट द्वारा नॉक वीडू को कर दिया जाएगा। एंड अब टीम गॉडलाइक को दो चीजें करनी, एक तो वीडू को बचाने की कोशिश करनी, ऊपर से एनिमा को खत्म करना, जो वीडू को बचाना तो पॉसिबल शायद यहाँ पे नहीं होगा। नियो के हाथ में नीड देखने को आपको मिल रहा है, गॉडलाइक अगेन काफी ज्यादा अग्रेशन के साथ अब आगे बढ़ने की वो कोशिश करते हुए आपको नजर जरूर आ रहे हैं। रेक्स को यहाँ पे स्पॉट जरूर करा है, वीडू का खत्म होने के बाद नियो के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी सी और ज्यादा बढ़ जरूर जाती है, लेकिन नीड का कोई ज्यादा बेनिफिट मिलेगा नहीं। अभी भी फाइट लेने की कोशिश की जीत होती है। Well, पूरी तरीके से इस समय यहाँ पे कंट्रोल भी दिखाई देते हुए, लुक एट नियो, पहले उनके ऊपर शॉट्स पड़ने स्टार्ट हुए थे एंड नॉक जरूर किया गया, काफी लो एचपी पे दूर से उनके ऊपर कैपिटलाइज किया जा चुका है। जोनाथन एंड गिल अभी भी इस फाइट के अंदर दूर से एनिग्मा एगी को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन्फॉर्मेशन पूरी तरीके से रीले की जा रही है नियो द्वारा, एग्जैक्ट पोजीशंस वहां पे कन्वे करते हुए जोनाथन को विंडो के ऊपर एगी आ चुके हैं। जोनाथन मेकिंग अ चार्ज, गिल को नॉक कर दिया जा चुका है, दिस फाइट माइट जस्ट गो आउट ऑफ हैंड।